संगठन जैसी योजना करता है ये हमारे लिए पद नहीं है। संगठन जैसी योजना करता है कि किसी सामान्य से कार्यकर्ता को बूथ अध्यक्ष बनाता है, वही बूथ अध्यक्ष धीरे धीरे काम करते करते राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनता है। हमारा संगठन, हमारी पार्टी अन्य दलों के कल्चर के आधार पर चलने वाली पार्टी नहीं है। मैं अध्यक्ष होते हुए भी कार्यकर्ता आगे आगे चलेगा और मैं कार्यकर्ता के सम्मान की रक्षा करते करते पीछे पीछे चलने वाला हूँ। कार्यकर्ता को खुश रखना ये नहीं है, कार्यकर्ता के सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, ये प्रमुख विषय है। वो मैं करने वाला हूँ, उसका पूरा ब्लूप्रिंट है। पूरी कार्यकारिणी आज केवल इसी विषय पर मेरी कैबिनेट बैठ के चर्चा करने वाली है। जैसा कैबिनेट बनाएंगे इस बार, अपना कैबिनेट कैसे बनाएंगे? केंद्र में आपकी सरकार है, इस तरह की कैबिनेट बनाएंगे आप? मेरी जो कैबिनेट है वो सक्षम कैबिनेट है। मैं बातचीत करके सब कार्यकर्ताओं से फिर आगे जो योजना होगी उस पर काम करूंगा। यूपी में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, लेकिन ऐसे में जिले में अधिकारी बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सुनते नहीं है, क्या आप क्या सुनेंगे? बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता, 10 दिन का मौका मैं देता हूँ आप सब मीडिया वालों के माध्यम से, आज 18 तारीख है, 28 तारीख का मौका देता हूँ, एक एक कार्यकर्ता को अगर जिला अध्यक्ष की तरह ट्रीट नहीं किया अधिकारियों ने, 20 तारीख को मेरी दूसरी कैबिनेट की बैठक होगी और पूरी प्लानिंग करके, हमारे पास ऐसे कार्यकर्ताओं का संच है, ऐसे कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है, सब चीजों को ठीक करने की ताकत हमारे पास, सत्ता के पास भी है और संगठन के पास भी है। हम उसको ठीक करने की व्यवस्था जानते हैं, वो पूरा ब्लूप्रिंट हम कार्यकर्ताओं के साथ कैबिनेट में बैठेंगे, अभी आउट नहीं करने वाले। आप सबके माध्यम से ये संदेश अधिकारियों को, बाकी जो इस देश, इस जिले में माफिया सक्रिय हैं, अपराधी सक्रिय, उनको संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो केवल और केवल 10 दिन का मौका है, 30 तारीख को हमारी अगली कैबिनेट बैठेगी, पूरे जिले के कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे, परिवर्तन आया कि नहीं आया इसकी समीक्षा होगी, उसके बाद ठीक से उस पर नकेल कसने की कार्यवाही हम अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके रणनीति तय करेंगे। जितने भी अपराधी सक्रिय हैं जिले में, जितने भी अपराधी सक्रिय हैं, बड़े से छोटे तक, सब पर नकेल लगनी चाहिए। मैं इशारों में बात नहीं करता, मैं क्लियर कट एक एक व्यक्ति को ठीक से कसने की बात करता हूँ। इस जिले में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो योगी जी की इच्छा है उस हिसाब से कानून का राज चलेगा, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं चलेगा, चाहे वो व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो, जनता को, कार्यकर्ताओं को पीड़ित नहीं कर सकता, ये मेरा प्रथम उद्देश्य है। ठीक है, धन्यवाद। क्या है कि पीछे